हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल दीमान। आप देख रहे हैं HD मिक्स क्लब। तो आज मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब इंट्रो कैसे बनाते हैं, वो भी काइन मास्टर में। इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो काइन मास्टर की और एक पिक्सेल ऐप की। तो सबसे पहले आपको अपना पिक्सेल ऐप ओपन कर लेना है। तो पिक्सेल ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, अपने चैनल का नाम डाल सकते हैं आप। तो जल्दी से मैं अपने चैनल का नाम डाल लेता हूँ। तो मैंने अपने चैनल का नाम डाल लिया, अब मैंने ओके कर दिया। अगर आपको इसका बड़ा करना है तो यहाँ पे पेंसिल पर जाएं और ये जो टी लिखा है इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो मैंने साइज़ बढ़ा लिया। उसके बाद आपको ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको कलर वाले ऑप्शन पे कलर चूज़ कर लेना है। मैं ग्रीन कलर चूज़ कर लेता हूँ, आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। फिर टिक कर देना है। उसके बाद आपको जाना है स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे, स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाकर इनेबल कर देना है। फिर आपको दोबारा से टिक कर देना है। उसके बाद इनर शेडो पर जाएँ और इसको भी इनेबल कर दें, इस पर ग्रीन कलर चूज़ कर लें। फिर आपको 3D वाले ऑप्शन पर जाना है और अगर आप 3D में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको भी इनेबल कर देना है। फिर आपको थोड़ा इसको डेप्थ को ऐड कर देना है और डार्कनेस फुल कर देनी है। और आप जैसे एडजस्ट करना चाहते हैं वैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने एडजस्ट कर लिया। फिर आपको टिक वाले ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद आपको चूज़ कर लेना है अपना फ़ोन, जो भी आप फ़ोन रखना चाहते हैं। चलिए मैं अपना फ़ोन चूज़ कर लेता हूँ। मैंने अपना फ़ोन चूज़ कर लिया है। उसके बाद जो वो स्क्वायर से शेप दिख रही है इस पर क्लिक करनी है। यहाँ पे जाके आपको ट्रांसपेरेंट चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको सेव कर लेनी है अपनी इमेज। तो मेरी भी सेव हो गई है। अब मैं आपको अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर जाके आपको इंक प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको मेरे ब्राउज़र पे जाना है। मैंने यहाँ पे वीडियो डाउनलोड की हुई है इंट्रो की, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वो वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने वो वीडियो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मीडिया पर जाना है। फिर आपने पिक्सेल ऐप में जो अपना नाम सेव किया था उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये लेयर सिलेक्ट नाम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको इस नाम पे क्लिक कर लेना है और इन एनिमेशन, जो आने का एनिमेशन है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने आने का एनिमेशन। और उसके बाद जाना है आपको ओवर का, जो मतलब बीच में आपका एनिमेशन होगा, चाहे आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आउट एनिमेशन, आउट एनिमेशन में जो आपके जाने का एनिमेशन होता है, तो चलिए मैंने वो भी सिलेक्ट कर लिया है। देखिए हमारा इंट्रो बन गया। अब आपको सिंपली बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है जो आपने सेव की है। उसके बाद आपको इस पर शेयर वाले ऑप्शन पे जाके सेव टू वीडियो कर लेना है। उसके बाद आप जो भी मेगापिक्सल में सेव करना चाहते हैं वैसे कर लेना। उस पर जाए आप क्लिक करोगे तो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।